ऑप्शन सारी नास्ट्री। आज हम और आप मिलकर एक वीडियो देखेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाली वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस इंसान के लिए तालियां बजा रहे हैं। तालियां क्यों बजा रहे हैं, इसने ऐसा कौन सा काम किया है, ध्यान से सुनिएगा। इस इंसान के लिए तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि इस इंसान ने मक्का शरीफ में जाकर एहराम की हालत में काबे के सामने खड़े होकर अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया है, इसलिए इस इंसान के लिए तालियां बजाई जा रही है। मक्का में जाकर इसने इस्लाम क्यों छोड़ा, एहराम की हालत में हज करने गया था, वहां जाकर ये इस्लाम से ही फिर गया। मक्का में जाकर क्यों इसने इस्लाम छोड़ा, मक्का में इसने ऐसा क्या देखा, जरा इसकी जुबान से आप खुद ही सुनिए। वीडियो इंग्लिश में है, पहले आप ये वीडियो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं भी आपको इसकी बातों का माफून बता दूंगी कि उसने ऐसा मक्का में क्या देखा कि हज करने गया था और इस्लाम छोड़ कर आ गया। पहले आप ये वीडियो देखिए। Ghanim from Yemen. I was born and raised in Yemen into a Muslim family. And they taught me how to bow down to Allah, how to pray, how to fast. And Yemen is a tribal country. I used to love Islam. And I started to question about Allah, about the prayers, about the fasting, about the way of Islam, the way of how Muslims live. Because I felt it's a burden that you have to pray five times a day. My family decided to go to Mecca. The heart of Islam is the capital of Islam. We have to go around the house of Allah, Mecca, and it has in the right corner the black stone. So you have to go seven times around the black stone. So I was happy to visit Mecca. I said maybe I will have the spiritual connection with the Creator. This is the when I was in Mecca, and we have to go seven times, and I was going around the black stone, and I start to ask this big question: is the Creator lives in this house? That I traveled miles to see him in this stone, and I said in my mind, this is human being made, this is not from God. Can't bow to stone, that's adultery. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. It was very bad. And from outside I look like Muslim, from inside I was agnostic. Emptiness, wonders, fear. जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है उन्हें ये समझ आ गया होगा कि इस बदबख्त ने काबा शरीफ में ऐसा क्या देखा कि इसने इस्लाम छोड़ दिया। और जिन लोगों को इसकी बातें समझ में नहीं आई, उन लोगों को इस इंसान के बातों का माफून बता देती हूँ कि काबे में इसने क्या देखा कि ये इस्लाम से ही फिर गया, इस शख्स ने इस्लाम छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बदबख्त ने क्या कहा। इस इंसान ने कहा कि मेरा नाम जॉन गालिब है और मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुसलमान घराने में एक मुसलमान बच्चे की तरह मेरी परवरिश की गई, मुझे अल्लाह के बारे में बताया गया, दीन इस्लाम के बारे में बताया गया, पांच वक्त नमाज के बारे में बताया गया, मेरा घराना पांच वक्त नमाजी है, तो मैं एक अच्छे मुसलमान की तरह बड़ा हुआ। फिर हमारे घर वालों ने इरादा किया कि हम मक्का जाएंगे हज या उमरा करने के लिए। तो ये इंसान कहता है कि मैं बड़ा खुश था कि मैं मक्का जाऊंगा, काबा शरीफ देखूंगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूंगा, अल्लाह से और ज्यादा नजदीक हो जाऊंगा। फिर जब हम काबा पहुंचे और मैं जब काबे का तवाफ कर रहा था, तो तवाफ करते करते मेरी निगाह काबे पर पहुंची, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या अल्लाह खालिक व मालिक इस घर में रहता है। और फिर फौरन मेरे दिमाग में ख्याल आया हजरे अस्वद का, इस काले पत्थर का, तो मेरे दिल ने फौरन ये कह दिया कि ये चीजें तो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, मुसलमान भी इन पत्थरों की ही इबादत कर रहे हैं, जैसे बाकी मजाही वाले अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो ये इंसान कहता है कि जैसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल आने लगा कि इस्लाम भी अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि लोगों का बनाया हुआ दीन है, तो मैंने फौरन वही काबे के सामने इस्लाम छोड़ दिया। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इस इंसान के अल्फाज है। ये आगे कहता है कि अब जाहिर से तुम्हें मुसलमान नजर आ रहा था लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से मुल्हिक बेदीन हो चुका था। जैसे इस इंसान ने कहा कि मैंने काबे के सामने वही इस्लाम छोड़ दिया और वहाँ सामने बैठे लोगों ने फिर इसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी,
क्योंकि सामने बैठे लोगों के मुताबिक इसने बहुत बड़ा काम किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में मुसलमान भी मक्का और हजरत अस्वद की पूजा करते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान सिर्फ काबे की सिमत यानी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे रब ने कहा है कि इस तरफ मुंह करके इबादत करना है। इबादत और पूजा मुसलमान सिर्फ अल्लाह की करता है। क्या मुसलमान हजरत अस्वद की पूजा करते हैं? जी नहीं, मुसलमान हजरत अस्वद को इज्जत और मोहब्बत से चूमते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा है, इसका बोसा लिया है। हजरत अस्वद जन्नती पत्थर है, हमारे नबी ने इसे चूमा है, इसलिए हम उम्मतें भी उसे चूम रहे हैं। इबादत ना मुसलमान हजरत अस्वद की करता है, ना काबे शरीफ की करता है, वो इबादत और पूजा सिर्फ एक अल्लाह की करता है। अब जिस इंसान को इतनी छोटी बात भी मालूम नहीं थी, वो कैसे मुसलमान घराने में पैदा हुआ या वो कैसे मुस्लिम घराने में था जिसने अपने बच्चे को इतना भी नहीं बताया कि बेटा इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं, काबा तो एक सिमत है, काबे की तरफ मुंह किया जाता है, इतनी छोटी सी बात इसे ना बताई गई। उस घराने के बारे में ये कह रहा है कि मेरा घराना एक मुस्लिम घराना था। जी नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि इसका घराना तो छोड़ो, ये इंसान न इस्लाम के बारे में जानकारी रखता है, न नमाज के बारे में इसे जानकारी थी, न इबादत के बारे में जानकारी थी, न इसने हजरत अस्वद और न ही इसके काबे के बारे में जानकारी थी। नासिर ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो सिर्फ नाम से मुसलमान है। इसलिए जब ये इंसान काबे गया और शैतान ने कुछ वसवसे डाले और ये वही इस्लाम छोड़ कर आ गया, कितनी बदबख्ती है। और ताजुब की बात तो ये है कि ये इंसान अपनी बदबख्ती को लोगों के सामने खुश होकर जाहिर कर रहा है, लेकिन ये भूल गया है कि ये तालियां सिर्फ चंद दिनों की है, उसके बाद क्या होगा वो भी अनकरीब इसके साथ होगा। बहरहाल आप इस बदबख्त के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सभी को दीन हक पर, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा